हेलो फ्रेंड्स, ये है सीएमओ का मॉडल पेपर नंबर 2। अब आप रेडी हो जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। जो लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसको शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब नाम से, उसे प्रेस कीजिए। बाजू में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? अ 1860, बी 1925, सी 1974, डी 1986। तो इसका आंसर है सी 1974। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई पेन या मार्कर यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो जस्ट वॉइस को म्यूट कीजिएगा और फिर वीडियो को चलाइएगा। जो भी आंसर आपको लगेगा उसे खुद ही टिक कीजिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये बंगाल सीमो के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, ब को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसा कर अ उससे स्वेच्छा से आत्महत्या करवाता है, अ ने निम्न में से कौन सा अपराध कर किया है? इसमें क्या है कि एक दो स्टूडेंट है अ और ब, तो अ जो है 18 वर्ष से कम आयु का है, और अ को ब जो है 18 वर्ष से कम आयु का है, अ को उकसा कर उसकी स्वेच्छा से उसका आत्महत्या करवाता है, तो वो कौन सा अपराध है? ऑप्शन ए है आपराधिक मानव वध का दुष्प्रेरणा, बी है हत्या का दुष्प्रेरणा, सी है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी हत्या का दुष्प्रेरणा। ये क्वेश्चन भी सीएमओ एग्ज़ाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई भू स्वामी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 176 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेना चाहता है तो उसे आवेदन देना होगा? ऑप्शन ए है आगामी कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 3 वर्ष के अंदर, ऑप्शन बी आगामी कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी आगामी कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 2 वर्ष के अंदर, ऑप्शन डी आगामी कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 4 वर्ष के अंदर। तो इसका आंसर है ए आगामी वर्ष प्रारंभ होने के 3 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता, ए वायु से, बी जल से, सी प्रकाश से, डी इन सभी से। तो इसका आंसर है ए वायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस दिनांक से लागू हुआ है? ए 10 मार्च 2005, बी 12 जुलाई 2005, सी 2 अक्टूबर 2005, डी 12 अक्टूबर 2005। इसका आंसर है डी 12 अक्टूबर 2005। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1994, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1974। तो इसका आंसर है बी 3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में जेबी नामक तूफान किस क्षेत्र में आया था? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी जापान। इसका आंसर है डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन एक बार फिर से, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यह कथन किसका है? ए डब्ल्यू एफ बिलोबी, बी मार्शल डी मॉक, सी एल डी वाइट, डी लूथर गुलिक। इसका आंसर है बी मार्शल डी मॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका रेजिमेंट था? ए अब्दुल फजल, बी बैरम खान, सी तानसेन, डी टोडरमल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से,
सी इसराइल से, डी मिस्र से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। एक बार फिर से, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। ए पाली, बी संस्कृत, सी ब्राह्मणी, डी प्राकृत, ई मागधी। तो इसका आंसर है ए पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला वंश के निम्न में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे। ए रघुजी प्रथम, बी बिंबाजी, सी चिमड़ाजी, डी वेंकोजी। तो इसका आंसर है सी 2, 3 एंड 4। तो बिंबाजी, चिमड़ाजी और वेंकोजी, ये तीनों शासक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेन सॉन्ग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। ए कलचूरी राजवंश, बी पांडु वंश, सी नल वंश, डी छिंदक नागवंश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ए महाशिवगुप्त, बी नन्नराज, सी हर्षगुप्त, डी तीवरदेव, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी तीवरदेव। अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके मॉडल पेपर 3, 4 सब ले आऊँगी। मैं क्वेश्चन पेपर छोटे छोटे ही ले उठा रही हूँ, बाद में जब एक हफ्ता बाकी रहेगा तो मैं उस वक्त 60, 100 जितने का क्वेश्चन पेपर बनेगा उसको फिर से बनाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। बाय।